जयराम रमेश ने कहा कि हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की। ये शिकायतें आचार संहिता समेत कई उल्लंघनों के बारे में थी। इनमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी, 8 शिकायतें सीएम योगी और 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई थी। लेकिन कई शिकायतें हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। क्या साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और कल अंतिम दिन है जहां सातवें चरण का चुनाव होगा। आज मैं जो हमारा चुनाव प्रचार था 13 अप्रैल से, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग को 118 शिकायतें प्रस्तुत की। ये 118 शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये सारा डिटेल हमने एक टेबल भी बनाकर आपको मिल जाएगा अगले 5-10 मिनटों में। पर कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी भी जानकारी यहां दी गई है। इस 117 शिकायतों में 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 8 शिकायतें हैं, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ 3 शिकायत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के खिलाफ, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं कुछ सारांश दे रहा हूं आपको। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का, 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन, जिसका हमने ये जिक्र भी किया है। अफसोस की बात है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई और ये जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।